जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका नेवी मेडिकल असिस्टेंट को लेकर के। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने लगातार साथी इसके बारे में एक ही सवाल कर रखा था कि सर आप प्लीज़ हमको ये बता दीजिए कि सर पहले हमारा मेडिकल होने वाला है या पहले हमारा फिजिकल होने वाला है कि सर हमारा पहले रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। मेरे भाई देखो, मैंने साथी आपको पहले भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन साथी आप लोगों ने इतने सवाल पूछे कि सर क्या कैसे कब क्या हमारा होने वाला है। तो मेरे भाई आपको, भैया मैं साथी पहले बताऊं, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ नेवी के एडवर्टाइजमेंट पर, यानी आपका जो आपका है भाई, हिंदी में पहले ले चलता हूँ, बहुत सारा बच्चा यहाँ पर समझ पाएगा अच्छे तरीके से। मेरे भाई आप लोग यहाँ पर देखिए, आप अच्छे से यहाँ पर पढ़िए कि आज के बाद आपके ना तो कोई सवाल रहने चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा। देखो भाई भाई देखो, आपका चयन मापदंड कि पहला स्टेज क्या होगा, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों के स्टेज पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। देखो सेकेंड स्टेज में आपका क्या होगा, द्वितीय चरण। देखो आपको दिया हुआ है भाई, जो बच्चों को साथी क्या होगा, जिन साथियों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिन बच्चों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, आपको मैं दिखा दूं उनके साथ क्या होने वाला। आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, जो बच्चे भाई हमारे पूछ रहे थे, देखिए आप सारे बच्चे यहाँ पर क्या होने वाला। सबसे पहले देखो आपका, ठीक है ना, देखिए जो साथी आपका लिखित परीक्षा साथी होगी, ये देखिए आपका आपका 10+2 साथी स्तर, आप देखिए ये देखो भाई आपका 10+2 स्तर की होगी, ठीक है। और साथी आपका प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी, ठीक है ना। आप सारे बच्चे यहाँ पर उत्तीर्ण होना साथी आपका अनिवार्य, सारे बच्चे आपको यहाँ पर दिया हुआ। अब दूसरा साथी आप देखो यहाँ पर कि आपका भैया जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा भाई, उनका क्या होगा, देखिए शॉर्ट लिस्टिंग उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट देखिए किसके हिसाब से, अलग अलग स्टेज पर उनके आपका 10+2 PCB के जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से। और भाई इसके बाद देखिए क्या होगा, चयन के लिए शारीरिक दक्षता PFT उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। आपको भैया यहाँ पर अनुत्तीर्ण होना अनिवार्य, यानी पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिए, आप सारे बच्चे यहाँ पर देख भी सकते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर। और सारी जो आप हाइट को लेकर के पूछ रहे थे, हाइट आपका 157 होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। आपको चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलाना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब साथ ही आपके कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, भर्ती परीक्षा में अयोग्य पाने उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अधिकतम 5 दिनों के अंदर भैया जो री मेडिकल वाले बच्चे हैं वो देख सकते हो। यहाँ पर देखो सारी चीज़ें, ठीक है ना, सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई, यानी आपका देखो क्या होगा, द्वितीय चरण। यहाँ पर देखो पहले PFT, फिर लिखित परीक्षा, फिर साथी आपका भर्ती यानी चिकित्सा परीक्षा। नहीं देखिए, जब साथी आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे तो पहले आपका जाओगे एडमिट कार्ड लेकर के, आपका फिजिकल होगा, और भैया फिजिकल के बाद साथी आपका क्या होने वाला है, आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला। अब देखिए, जिन भाइयों को ये डाउट था कि गुरु जी क्या होगा, समझिए आपका एडमिट कार्ड जो शॉर्ट लिस्ट हो जाए, बहुत सारे अधिक बच्चे शॉर्ट लिस्ट होने वाले अपमान के लिए, क्योंकि भाई देखो फिजिकल में आपने SSRMR में देखा होगा कि आपका 50-60% बच्चा आपका फिजिकल में आउट हो रहा था, ठीक है। तो पहले आपका फिजिकल, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन भैया, फिर उसके बाद आते आपका क्या होने वाला है, उसके बाद मेरे भाई आपका होने वाला है मेडिकल एग्जामिनेशन। और आपका भैया जो कोर्स है वो भैया नवंबर के 3rd वीक, यानी आपका मान चलिए आपका 25 नवंबर के आसपास आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से भाई मेहनत करो। आपका देखो ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि भाई देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे का 95% होगा, 92% होगा, और भाई वो तो शॉर्ट लिस्ट होगा ही, भी 80-85-82 वाला भी शॉर्ट लिस्ट होगा। ये जरूरी कतई नहीं भाई 95 वाले का सिलेक्शन होगा, भाई 80-82 का भी हो सकता, क्योंकि भैया यहाँ पर अगर फिजिकल, जो उसका फिजिकल गड़बड़ निकला वो बाहर जाएगा, और जो साथी आपका फिजिकल को क्रॉस करेगा भैया वो रिटर्न में बैठेगा। तो आपको ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है साथी, आज के लिए इतना ही। और आप सारे बच्चों से मैं यही कहूँगा कि बढ़िया से तैयारी करो भाई, और टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग जरूर लगाइए अच्छे तरीके से। साथी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।